हेलो गाइस, आप सभी को एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने नॉइस वारंटी क्लेम के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसके ऊपर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था। बट हमने उस वीडियो में सिर्फ वारंटी क्लेम कैसे करते हो उतना ही प्रोसेस दिखाया, उसके बाद के जो स्टेप्स वगैरह होते हैं उसके बारे में कुछ बात नहीं किया। मतलब अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट रिपेयर होने के बाद आपको कैसे कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, नया प्रोडक्ट बेचते हैं कि पुराना प्रोडक्ट, वो सारे डिटेल्स आज इस वीडियो में कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। और मैंने उस वीडियो के ऊपर कमेंट भी बहुत सारे पढ़े थे, लोगों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन भी है, वो सब भी दूर करने का ट्राई करेंगे। और एंड में थोड़ा बहुत मतलब वारंटी क्लेम करने का प्रोसेस वगैरह थोड़ा चेंज कर दिया नॉइज़ वालों ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट शुरू करते हैं। तो पहले हम थोड़ा बहुत जो वारंटी क्लेम करने के प्रोसेस में चेंजेस वगैरह आया है नॉइज़ ने थोड़ा अपडेट कर दिया, उसके बारे में हम हल्का सा थोड़ा बात करेंगे। तो गाइस, मैं पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे वारंटी क्लेम कैसे करते उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके रखा है, हम नीचे लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। थोड़ा बहुत चेंजेस है उसके ऊपर हम बात करेंगे, चेंजेस क्या आया है तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट। हम नॉइस के जो वेबसाइट में आ चुके हैं, ये सब आपको सब कुछ डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, कैसे रजिस्टर कैसे करना है आपको वारंटी। तो फटाफट हम चले जाते हैं अपने वारंटी सेक्शन में। गाइस, जो चेंजेस के बारे में बात कर रहा था मैं, यही मेन चेंजेस है। एंटर मोबाइल नंबर यूज टू लॉग इन टू नॉइस फिट ऐप, मतलब इसका मतलब आपको वही नंबर यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है जिसके साथ आपका नॉइस फिट ऐप लॉग इन है, जिसके ऐप पर आपका वॉच भी मतलब पेयर्ड है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिटेक्ट कर लेगा कि आपका वॉच का फार्मवेयर वर्जन क्या है और आपका वॉच का सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ मेरा वाला डाल के। देखिए, जैसे मैंने अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई किया ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए OTP डालने के बाद वेरीफाइड शो कर रहा है। जैसे सिलेक्ट डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे, देखिए डायरेक्टली मेरा जो नॉइस फिट के ऊपर मेरा जो वॉच कनेक्ट था, सब कुछ डिटेल्स वगैरह आ गए। यही नया चेंजेस है, देखिए अंडर वारंटी मेरा तीन वॉचेस इसके नॉइस फिट पे कनेक्ट था, तो सारे डिटेल्स फार्मर बड़ा सब कुछ आ चुका है। अगर आपका भी ऐसा आ रहा है जिसके ऊपर आपको वारंटी क्लेम करना है, सिंपली उसके ऊपर डाल लेना है। और अगर नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली क्लिक करना है डिवाइस नॉट लिस्टेड, और यहाँ पे हम नीचे आप एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक हियर, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आप मैन्युअली आपका जो भी वॉच है आप डाल सकते हो, अगर उस लिस्ट के अंदर आपको नहीं आ रहा है। ये आप क्लियर कर देता हूँ फिर से, देखिए यहाँ पे आप डालेंगे अभी, जैसे कि हमारा है कलर फिट आइकॉन बस जेड ब्लैक वाला, तो आप ऐसे सर्च करके भी आपका डाल सकते हो अगर लिस्ट पे नहीं आ रहा है। और गैस देखिए, यहाँ पे फार्मर वर्जन जो यहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लोग बता रहे कि मेरा स्क्रीन ऑन नहीं हो रहा तो फार्मर वर्जन कहाँ से मिलेगा। अगर आपका स्क्रीन ऑन नहीं हो रहा तो मैं क्लियर कर देता, आपको फार्मर वर्जन डालना नहीं पड़ेगा, आपका प्रॉब्लम यहाँ से अच्छे से डालना डिस्प्ले स्क्रीन इशू, मतलब डिस्प्ले नहीं ऑन हो रहा इसलिए तो फार्मर वर्जन आप नहीं देख पा रहे हो। तो हम यह सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे आप डाल देना सब प्रॉब्लम पे डिस्प्ले ब्लैंक, डिस्प्ले शो नहीं कर रहा ऐसा बता देना आप, और यहाँ पे आपका प्रॉब्लम डायरेक्टली डिस्क्राइब कर देना क्या प्रॉब्लम है, डिस्प्ले प्रॉब्लम, बस उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। गैस बाकी का जो यह प्रोसेस देख रहे हो, मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाके वो वीडियो पहले देख लेना, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अभी जो ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स मैंने लास्ट वीडियो में कवर नहीं किया था। जब आप कंप्लेंट सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको फर्स्ट जो मेल आता है नॉइस के तरफ से, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया आपका कंप्लेंट, और आपको टिकट आईडी भी देखने को मिलता है, ये टिकट आईडी प्रोवाइड करते हैं। ये टिकट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आप नॉइस से जानना चाहते तो उनको टिकट आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो लोग आपका जो प्रोडक्ट का जो इनवॉइस और प्रोडक्ट का जो इमेजेस आपने अपलोड किया था वारंटी कंप्लेंट के टाइम, तो उन चीज़ों के साथ वो लोग वेरीफाई करेंगे, अगर वारंटी के अंदर आता है तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस वो लोग करेंगे। उसके बाद वो लोग ट्रबल शॉट के लिए आपको मेल करेंगे, मतलब फ़ोन करेंगे, अगर फ़ोन नहीं करते तो आप फ़ोन कर देना, उनके नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे। ट्रबल शॉट का मतलब होता है कि वो लोग उनका एक्सपर्ट वगैरह आपको फ़ोन करके बताएंगे कि आप ये करिए वो करिए, मतलब अल्टीमेटली आपको गाइड करेंगे, मतलब गाइड करके ट्राई करेंगे कि अगर घर से ठीक हो जाता तो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज आपका पिकअप इनिशिएट कर देंगे वो लोग। अगर आपका ट्रबल शॉट में फ़ोन करके अगर आपका प्रॉब्लम इशू सॉल्व नहीं होता है तो आपको यहाँ पे सिंपली नीचे देखेंगे आपको इज़ योर इशू रिजॉल्व्ड, अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है तो आपको नो पे डाल देना है, तो
तो हमारा नहीं हुआ तो हमने नो डाल दिया था। हमारे पास ये नेक्स्ट मेल आता है जब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, हमारा रिवर्स पिकअप इनिशिएट कर दिया था तो हमारा जो डिलीवरी पर्सन हमारा प्रोडक्ट लेने आएगा, और यहाँ पे आपको AWB नंबर ही प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मेल आता है कि हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुली पिकअप कर दिया गया है डिलीवरी पर्सन के द्वारा, तो हमारे पास नेक्स्ट ये मेल करते हैं कि उनके पास हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुली उनके वेयरहाउस में पहुँच जाता है। उसके बाद वो अपने सर्विस टीम के पास भेजेंगे और 2-3 दिन के अंदर वो क्वालिटी चेक के लिए भी चला जाएगा। पूरा इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने भेज दिया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेल करते हैं कि योर प्रोडक्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड, मतलब हमारा प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया है उन लोगों ने और ठीक करके शिप करने के लिए तैयार कर रहे हैं, मतलब हमारा प्रोडक्ट उन लोगों ने ठीक कर दिया, अभी शिप कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये मेल आता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी शिप्ड कर दिया गया है और ट्रैकिंग आईडी भी उन लोगों ने भेज दिया, कॉम एक्सप्रेस से दिया था हमें। उसके बाद हमें नेक्स्ट मेल तब आता है जब हमारा प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका होता है, हमने रिसीव कर लिया। उसके बाद उन लोगों ने एक मेल किया था एड में जो मेल करते हैं हमारा प्रोडक्ट डिलीवर्ड होने के बाद, जो हमारा कंप्लेंट है उसको क्लोज्ड कर दिया सक्सेसफुली, और उसके बाद आपका यहाँ पे सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, आपका सक्सेसफुली सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। सारा इन्फॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू लोग इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और अभी नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास प्रोडक्ट कैसे आता है, हम आपको अनबॉक्स करके फटाफट से दिखाते हैं। ये रहा वो बॉक्स जो रिपेयर होके हमारे पास आया है जब हमने वारंटी क्लेम किया था। कुछ ऐसे पैकिंग के अंदर नॉइस भेजते हैं, और यहाँ पे हमारा एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया गया है। फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करते एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, ये पुराना बॉक्स है जो हमने दिया था, जो सेम पुराना बॉक्स के अंदर ही हमें दिया गया है। इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर हमें चार्जर केबल भी प्रोवाइड किया गया है। मैंने वॉच को ऑन कर लिया है और प्रॉपर तरीके से चेक भी कर लिया है, इसका सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, ये मतलब नया प्रोडक्ट नहीं है, ये रिपेयर किया गया ही प्रोडक्ट है, एकदम नया नहीं है, ब्रांड न्यू नहीं है। बस उन लोगों ने दूसरा वाला रिप्लेस करके दिया या फिर रिपेयर करके इन लोगों ने हमें दिया गया है। इससे पहले देखिए इसका क्या हालत था जब हमने इसको भेजा था, ये चेक करिए, इसका कुछ ऐसा हालत हो गया। तो हमारा हार्डवेयर इशू था इसके अंदर, ये पूरा पैनल ओपन हो गया था, ये चेक करिए, कुछ इस तरीके से हमारा वॉच का मतलब पैनल नीचे से रिमूव हो गया था। तो और अभी देखेंगे तो पूरा सब कुछ प्रॉपर तरीके से फिट है एकदम। तो गैस आप लोगों ने पूरे डिटेल्स में वीडियो को देख लिया है, और गैस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैंने और 2 प्रोडक्ट मतलब मैंने टोटल 3 वॉच का वारंटी लिया था। मुझे 2 जो वॉच पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन में मुझे मिला था, पूरा एकदम बॉक्स एकदम पूरा नया बॉक्स के अंदर था, पूरा नया प्रोडक्ट था। बट ये वाला जो पार्टिकुलर मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, ये वाला मुझे नया नहीं मिला, ये रिपेयर करके ही दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि उनके पास जब जो अवेलेबिलिटी होता है, अगर आपका प्रोडक्ट रिपेयर करके दे सकते तो दे देंगे, अदरवाइज रिपेयर नहीं होगा तो आपको नया प्रोडक्ट, बिल्कुल नया प्रोडक्ट नॉइस देते हैं। बाकी तो मुझे सर्विस बहुत अच्छा लगा, और बाकी वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट पे डाल देना, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब 20% 30% सब्सक्राइब करते हैं, 70-80% लोग नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।